बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आई एम प्रोफेसर आबिद उमर। आज जो है बेटा, जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो है प्लास्टिड्स। देखो बेटा, प्लास्टिड जो है ना, ये एक पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेली होती है, ठीक है ना। ये कौन सी ऑर्गेनेली है? ये पिगमेंट्स कंटेनिंग ऑर्गेनेली है। प्लांट्स के अंदर जो प्लास्टिड होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। मैं आपको ये बात बता दूं, प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। हालांकि ये जो है वो फोटोसिंथेसिस एल्जी में भी होती है, बट उनमें प्लास्टिड नहीं होते, सिर्फ क्लोरोफिल होता है। अब इसकी जो पहली जो टाइप होती है बेटा, वो है क्लोरोप्लास्ट। अब ये क्लोरोप्लास्ट कैसे, क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। देखो बेटा, क्लोरोप्लास्ट जो है ना, ये भी एक डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस है, क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह यह भी जो है बेटा, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग या सेमी ऑटोनोमस होती है, क्योंकि इसके अंदर भी इसका अपना राइबोसोम और अपना डीएनए होता है। क्योंकि इसके पास अपना राइबोसोम और अपना डीएनए होता है, तो डेट्स वाई ये अपनी तादाद खुद अपने उसमें इजाफा कर सकती है। उसके बाद जो है बेटा, इसके जो है शेप और साइज की बात कर लें, तो ये शेप वाइज थोड़ी थोड़ी वेरी करती है, और इसका साइज जो है बेटा वो 4 to 6 माइक्रोन मीटर होता है। असल जो चीज इसकी जानने वाली है ना बेटा, वो इसका स्ट्रक्चर है, उसको थोड़ा सा हम डिटेल से पढ़ेंगे। देखें, स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम देखें ना, तो जैसे मैंने अभी कहा कि ये भी एक डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है, कि दो मेम्ब्रेन होते हैं, आपको ये दिखाई दे रही है, ये पहली मेम्ब्रेन है और ये दूसरी मेम्ब्रेन है, ठीक हो गया। अच्छा, इसकी आउटर मेम्ब्रेन, ये वाली मेम्ब्रेन आउटर है, और ये अंदर वाली जिसके ऊपर मैंने दो लगाया है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये क्या है? इनर मेम्ब्रेन है। अच्छा चले, उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं कि इसके लिए बहरहाल आप एनवेलप का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट एनवेलप, ठीक है ना। उसकी वजह यह है कि इसकी ये दोनों मेम्ब्रेन तकरीबन एक सी होती हैं, इसकी ये दोनों मेम्ब्रेन जो है वो तकरीबन एक सी होती हैं, तो इसके लिए भी आप एनवेलप का लफ्ज बहरहाल इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, अब बात करते हैं अगले पार्ट की। अगला जो पार्ट बेटा ये आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, दिस इज कॉल्ड द थैलाकाइड, दिस इज कॉल्ड थैलाकाइड, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये थैलाकाइड होता है। अब ये थैलाकाइड कैसे होता है, मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूं। देखो बेटा, ये ना ऐसे कॉइन लाइक एक ऐसे मेम्ब्रेन होती है वेसिकुलर फॉर्म में, ठीक हो गया ना। ये ऐसे बहुत सारी ऐसे एक दूसरे के ऊपर पाइल अप होती है, है ना। बुक में वर्ड यू है स्टैक, स्टैक होती है कलेक्शन के मेम्ब्रेन्स की, ये स्टैक है, इस तरीके से जो है ना ये पाया जाता है। अब ये जो है ना 50 या 50 से ज्यादा होते हैं, मैंने तो 50 नहीं बनाए, लेकिन जो है बेटा जो है स्पेस की वजह से मैंने कम बनाए हैं, लेकिन ये 50 और मोर होते हैं। इस एक को बेटा जो है वो कहा जाता है थैलाकाइड, एक को, ठीक हो गया। जबकि ये जो पूरी है ना, ये पूरी है ग्रैनम, ग्रैना नहीं है, ये ग्रैनम है, ग्रैनम सिंगुलर होता है। ये सारी जो है ना, मिला लो 2-3 तो ये ग्रैना बन जाएंगी, ठीक हो गया। अच्छा, फिर इसके ऊपर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, जो कि मौजूद होता है, जो कि इसके ऊपर ही होता है, ये बात आपको समझनी है। देखें, इसके ऊपर ना ऐसे ग्रीन कलर में कुछ पार्टिकल्स होते हैं, ग्रीन कलर के अंदर, इन पार्टिकल्स को बेटे जो है वो कहा जाता है, मैं बताता हूं आपको, इन पार्टिकल्स को जो है बेटा वो कहा जाता है क्लोरोफिल। क्या कहा जाता है? क्लोरोफिल। पिगमेंट होता है ये, और ये जो है बेटा ये थैलाकाइड की सरफस पर होता है। इस ग्रीन, ये क्योंकि क्लोरोफिल ग्रीन होता है, इसी की वजह से प्लांट का जो कलर होता है वो ग्रीन हो जाता है, और ये थैलाकाइड की सरफस पे पाया जाता है। एक और स्ट्रक्चर है बेटा, वो स्ट्रक्चर क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं बेटा। वो स्ट्रक्चर है, देखें, ये आपको पार्ट दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, दिस इज कॉल्ड इंटरग्रेनम, जो कि दो जो है बेटा वो ग्रेनम को आपस में अटैच किया हुआ है। ये नॉन ग्रीन होता है। नॉन ग्रीन क्यों होता है? नॉन ग्रीन ये बेटा इस वजह से होता है क्योंकि इसके ऊपर क्लोरोफिल नहीं होता, यहां क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, इसलिए ये नॉन ग्रीन होता है। अच्छा, इसके अलावा ये आपको लिक्विड कंटेनिंग पार्ट दिखाई दे रहा होगा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है, ऐसे ही क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है बेटा वो स्ट्रोमा पाया जाता है। मेरी बात समझ रहे हो आप? क्लोरोप्लास्ट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा कि कौन कौन से रिएक्शन जो है वो यहां पर हो रहे हैं। बहुत सारे रिएक्शन यहां पर होते हैं जो एमसीक्यूज के वाइज बड़े इंपॉर्टेंट है, मैं सारे के सारे आपको वन बाय वन बताऊंगा। अभी फिलहाल अभी हम इसका स्ट्रक्चर जो है बेटा वो डिस्कस कर रहे थे। चले, अब आप अगर देखो ना, ये इनवेलप, स्ट्रोमा, ये सारे स्ट्रक्चर को लेके यही बातें जो है बेटा इसके अंदर बताई गई हैं। चलें, अब जो है बेटा वो आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब एक और बात मैं आपको बताता हूं बेटा, ये जो क्लोरोफिल है ना,
इसके ऊपर अभी जैसे मैंने अभी कहा कि क्लोरोफिल इसके अंदर पाया जाता है, ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर जो हेमोग्लोबिन का हेम होता है ना उससे मिलता जुलता है, हेमोग्लोबिन का जो हेम होता है ना उससे मिलता है, ठीक है ना। दोनों में पोरफायरिन रिंग होता है, पोरफायरिन ये हेड होता है क्लोरोफिल में, पोरफायरिन रिंग का दोनों में पाया जाता है, लेकिन क्लोरोफिल के पोरफायरिन रिंग के सेंटर में मैग्नीशियम होता है, जबकि हेमोग्लोबिन के सेंटर के पोरफायरिन रिंग के सेंटर में आयरन होता है, यह फर्क होता है बस, ठीक हो गया। बाकी क्लोरोफिल क्या फंक्शन परफॉर्म करता है यह बात अभी हम डिस्कस कर रहे थे। देखो बेटा, क्लोरोफिल का बेसिकली वर्क क्या होता है, क्लोरोफिल का काम होता है बेटा, इसने ये क्लोरोफिल आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ थैलाकॉइड, एक तो बात आपने ये याद रखनी है। दूसरा, क्लोरोफिल का काम ये होता है कि ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है जो कि एटीपी और एनएडीपीएच कहलाएगा, ठीक है ना। जैसे सोलर जो है बेटा, वो पैनल जो है, सोलर की प्लेटें जो आप सोलर सिस्टम जो है लॉन्च करते हो, वो जो है वो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इसी तरह ये क्लोरोफिल भी एक कन्वर्टर है, ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा होता है केमिकल एनर्जी एटीपी और एनएडीपीएच के अंदर। इसको ना लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसेंसिस, जो लाइट रिएक्शन होता है ना फोटोसेंसिस का, आप लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है जिसको फोटोफॉस्फोरिलेशन भी कहा जाता है, वो यही रिएक्शन होता है, ये क्लोरोफिल के ऊपर ही होगा, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह यहां पर भी जो है बेटा थैलाकॉइड की सरफेस के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पाई जाती है, उसको फोटोफॉस्फोरिलेशन जो है वो कहा जाता है। इसके अलावा क्या जनाब कोई और रिएक्शन होता है? यस, और रिएक्शन भी होता है बेटा। इसके अलावा आप जानते हो ना कि एक तो होता है लाइट रिएक्शन प्लांट के अंदर, एक फोटोसेंसिस के अंदर ना एक होता है लाइट रिएक्शन, ठीक है ना। ये लाइट रिएक्शन तो होता है थैलाकॉइड की सरफस पर होता है भाई, ये क्लोरोफिल परफॉर्म करते हैं। और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन जिसको आप कैल्वन साइकिल भी बोलते हो। ये बेटा होता है स्ट्रोमा में, ये आपने याद रखना है। ये रिएक्शन जो है बेटा वो स्ट्रोमा होता है, ये अकरंस ऑफ रिएक्शन है जो कि यहां होता है, बड़े इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखने, एमसीक्यूज में ये बातें अक्सर आती होती हैं। चले आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो है बेटा, जो प्लास्टिड की अदर जो पार्ट होता है, दूसरी जो टाइप होती है वो होती है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो का लफ्जी मतलब होता है कलर, क्या मतलब होता है? कलर होता है, ठीक है ना। ये कलर कंटेनिंग जो है बेटा, कलर पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेल होती है। अच्छा, ये अदर देन ग्रीन कलर प्रोड्यूस करती है, कौन सा कलर प्रोड्यूस करती है? अदर देन ग्रीन। आप जानते हो कि प्लांट के अंदर जो है बेटा वो पेटल्स होते हैं जो डिफरेंट कलर्स के होते हैं, जो फ्लावर्स के पेटल्स हैं, इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट्स होते हैं उनके मुख्तलिफ कलर होते हैं। ये सारे कलर बेसिकली क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। इन कलर्स की वजह से ना इनकी फंक्शनैलिटी भी है, मसलन ये हेल्प करते हैं पोलिन में, कलर की वजह से अट्रैक्शन होती है और उस अट्रैक्शन की वजह से इंसेक्ट्स आते हैं और पोलिनेशन का सबब बनते हैं। डिस्पर्सल ऑफ सीड में भी इसका किरदार होता है। देखो बेटा, ये ब्यूटीफुल कलर्स प्रोड्यूस करते हैं फ्रूट्स के अंदर, जिसकी वजह से फ्रूट्स को हम तोहफा तहाइफ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। हम देखें, हमारा इसकी वजह से फिर सीड भी ट्रेवल करता है, जब फ्रूट ट्रेवल करेगा हमारा मैंगो अमेरिका चला गया, ठीक है ना, और उसके साथ साथ फिर सीड भी तो ट्रैवल हुआ ना, तो डिस्पर्सल ऑफ सीड भी हो जाता है फ्रूट की वजह से, और फ्रूट की डिस्पर्सल जो है वो उसके कलर्स की वजह से हो रही है। तो दैट्स व्हाई जो है बेटा ये डिस्पर्सल ऑफ सीड के अंदर जो है वो भी इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है क्रोमोप्लास्ट की। तीसरी जो प्लास्टिड की टाइप होती है ना बेटा, वो है लिकोप्लास्ट। अब लिकोप्लास्ट जो है ना, पहली लाइन ये अक्सर एमसीक्यूज में आ जाती है कि जनाब ये ट्राइंगुलर होता है, ट्यूबुलर होता है और इसकी कुछ हद तक शेप डिफरेंट करती रहती है और ये कलरलेस होता है, ये कोई कलर पिगमेंट नहीं होता, ये कोई कलर प्रोड्यूस नहीं करता और ये प्लांट के अंडरग्राउंड पार्ट में होता है। मतलब ये कहां होगा? ये रूट्स में होता है। कहां होता है? ये रूट्स के अंदर पाया जाता है और रूट्स में आप जानते हो रूट का फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ फूड। ये फूड को जो है बेटा ये स्टोर करता है, ठीक है ना। इसका काम क्या होता है? फूड को स्टोर करना। चले, ये ऑर्गेनली हमारी यहां पर मुकम्मल हो गई है, हमने इसके बारे में जो है वो बहुत कुछ जो है बेटा वो पढ़ लिया। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया, लेकिन अभी हमारा लेक्चर एंड नहीं हुआ, अभी एक छोटा सा टॉपिक हमारा रहता है, हम उस टॉपिक को जो है बेटा वो करेंगे, और वो टॉपिक है बेटा माइक्रोस्कोप। देखिए माइक्रोस्कोप, देखो बेटा ये माइक्रोस्कोप आपको दिखाई दे रही है,
आपको यहां पे लिखा हुआ कंपाउंड माइक्रोस्कोप और लाइट माइक्रोस्कोप, तो बेटा मैं आपको बताता जाऊं ये दोनों ही लाइट और कंपाउंड दोनों ही माइक्रोस्कोप है। यहां पर आप लिख लें और ये दो, ये भी लाइट माइक्रोस्कोप है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये दोनों लाइट और कंपाउंड माइक्रोस्कोप ही हैं। फिर फर्क क्या है, क्या फर्क है इनके अंदर? देखो बेटा इसके अंदर जो फर्क है ना वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर आप देखें ना ये जो लेंस यहां पर इस्तेमाल हुआ है ये है आईपीस, ये क्या है बेटा ये है आईपीस, ठीक हो गया। इसी तरह ये जो लेंस यहां पर इस्तेमाल हुआ है ये है ऑब्जेक्टिव लेंस, क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट पड़ा होता है, यहां स्लाइड रखी होती है, ठीक है ना। अब आप नोट करें कि यहां आईपीस दो है, यहां आईपीस एक है, यह फर्क है इन दोनों का। इस वजह से इसको जो है वो यूनिलाकुलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कि ये यूनिलाकुलर जो है माइक्रोस्कोप है, जबकि इसके बारे में कहा जाता है ये है बाइनाकुलर, ये ज्यादा बेहतर है, दोनों आंखों से देख सकते हो इसमें, ठीक है ना, बाइनाकुलर माइक्रोस्कोप है ये। फिर एक फर्क और है बेटा, यहां लगा हुआ है मिरर, ठीक है ना, कि सनलाइट जो है बेटा वो इसके ऊपर पड़ेगी और ये सनलाइट को मर्ज करके ऊपर डाल देगा, ठीक हो गया। तो इस वजह से ना आप इसको सिर्फ डे में इस्तेमाल कर सकते हो, जबकि यहां लाइट बल्ब यूज हुआ है, लाइट का कौन सा बल्ब यूज हुआ है, लाइट बल्ब यूज हुआ है यहां पे, ठीक है ना। और ये जो है लाइट ऊपर मारे, अब ये इलेक्ट्रिक होता है तो डैट्स वाई इसको आप दिन और रात दोनों में इस्तेमाल कर सकते हो, डे और नाइट दोनों में ये इस्तेमाल है, ये मोर फिजिबल है, ठीक हो गया। लेकिन इनकी एफिशिएंसी तकरीबन एक सी होती है, तकरीबन एक सी होती है, ये बातें भी अभी हम डिस्कस करते हैं। देखो बेटा आपको ये देखें, अब यहां पे ना नोट करें बात, एक लिखी हुई है रेजोल्यूशन और एक लिखी हुई है मैग्निफिकेशन। ये क्या होता है? रेजोल्यूशन होती है द एबिलिटी टू सी द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे छोटे जर्रे को देखने की जो सलाहियत है ना वो रेजोल्यूशन कराते हैं। हमारी आंख जो नेकेड आई है ये 1 मिलीमीटर तक के जो जर्रे को देख सकती है, पार्टिकल को देख सकती है। 1 मिलीमीटर से अगर पार्टिकल छोटा हुआ तो वो आपको दिखाई नहीं देगा, ये हमारी आंखों की रेजोल्यूशन है। दूसरी बात कर लेते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसकी रेजोल्यूशन होती है बेटा 2 माइक्रोमीटर, ठीक हो गया। तो ये 2 माइक्रोमीटर के जर्रे को देख सकती है। अब ये मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन बेटा माइक्रोस्कोप का असल काम क्या होता है कि जो जर्रा हमें दिखाई नहीं दे रहा उस जर्रे का जो अपेरेंट साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है, मैग्निफाई करता है। इसमें लेंस लगे होते हैं जो पार्टिकल को मैग्निफाई करते हैं, बड़ा कर देते हैं, बजाहिर बड़ा करते हैं, असल में बड़ा नहीं करते, अपेरेंटली साइज उसका इंक्रीज होता है ताकि वो हमारी आंखों की रेजोल्यूशन के अंदर फॉल करे। तो क्या करते हैं ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होती है ये पार्टिकल साइज को 500x टाइम तक जो है बेटा 500 टाइम्स तक जो है वो उसके साइज को अपेरेंटली मैग्निफाई कर देती है, इंक्रीज कर देती है, ठीक हो गया। और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है ये तकरीबन आपकी आंखों की निस्बतन 250,000 टाइम्स उसके साइज को इंक्रीज करती है, या कंपाउंड माइक्रोस्कोप की निस्बतन 500x टाइम जो है वो इंक्रीज करती है। और इसकी रेजोल्यूशन जो है बेटा वो 2 to 4 angstrom होती है, मतलब ये उससे भी छोटे पार्टिकल को दिखा सकती है। ऐसा क्यों है बेटा? इसका भी कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताता हूं। देखिए इसका क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए हम डिस्कस कर रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप ये डिस्कस कर रहे हैं ना, या हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, ठीक हो गया। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ना इसका जो सोर्स ऑफ लाइट होता है, क्या चीज? सोर्स ऑफ लाइट वो होती है विजिबल लाइट, कि ये विजिबल लाइट जो है उसका इस्तेमाल होता है, जो आम रोशनी है, सनलाइट ले लें या इलेक्ट्रिक बल्ब वाली लाइट, ये विजिबल लाइट होती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन की बीम का इस्तेमाल करता है सोर्स ऑफ लाइट के लिए। इससे क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है। देखो बेटा ये जो विजिबल लाइट होती है ना, आप वेवलेंथ को शो ऐसे लैम्डा से करते हैं ना, इसकी वेवलेंथ होती है कम और इसकी वेवलेंथ होती है बहुत ज्यादा। वेवलेंथ के कम या ज्यादा होने से क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है बेटा। देखिए कोई भी जर्रा आपको कब दिखाई देता है? कोई भी जर्रा आपको उस वक्त दिखाई देता है जब उसके साथ लाइट टकराती है, जब उसके साथ लाइट स्ट्राइक करेगी। देखें फर्ज कर रहे हैं ये एक पार्टिकल है, आप अगर इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो विजिबल लाइट की वेवलेंथ कुछ यूं होगी,
ना, कुछ यूं होगी, तो हो सकता है कि वो इसे टकराए ही ना। तो अगर वो लाइट इसे नहीं टकराएगी, ये जरा आपको दिखाई भी नहीं देगा। लेकिन अगर इसकी जगह पर आप इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो इलेक्ट्रॉन की बीम यूज होती है उसकी वेवलेंथ कुछ यूं होती है, उसकी वेवलेंथ कुछ यूं होती है। तो बेटा इसके टकराने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि वेवलेंथ उसकी कम होती है। यह वजह कि वेवलेंथ का इंपैक्ट फैक्टर है, यही वजह कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आपको चीजें ज्यादा दिखाई देती हैं एज कंपेयर टू कंपाउंड माइक्रोस्कोप के, क्योंकि उसमें सोर्स ऑफ लाइट इलेक्ट्रॉन की बीम है जिसकी वेवलेंथ कम होती है। फिर उसके बाद बेटा ये मैग्निफिकेशन पावर क्या होती है या इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये बात भी सीखने वाले हैं। चले मैं आपको बताता हूं। देखें, मैग्निफिकेशन पावर ना आप निकाल सकते हो बड़ी आसानी से। इसको निकालने के लिए ना आपने क्या करना है, आपने लिखना है पावर ऑफ आईपीस, कि आपने कौन सा आईपीस इस्तेमाल किया, मल्टीप्लाई बाय पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक हो गया, ये आपने देखें, मैं आपको बताता हूं, आप जानते हो बेटा, ये आप देख सकते हो कि यहां पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव लेंस है, कोई जो है बेटा वो 10x का होगा, कोई 10x का होगा, 20x का भी हो सकता है, 30x का भी हो सकता है, 40x का भी, मल्टीपल यू आईपीस भी एक से ज्यादा इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये रिमूवेबल होते हैं, ये फिक्स होते हैं, ये रिमूवेबल होते हैं। बहरहाल फर्ज कर लें, जस्ट फॉर एग्जाम्पल जो है बेटा वो आपने जो आईपीस है वो इस्तेमाल किया 10x का, ठीक हो गया, और जो ऑब्जेक्टिव लेंस वो आपने यूज किया 40x का, तो बेटा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 400x। मतलब अगर आप 10x का आईपीस और 40x का ऑब्जेक्टिव लेंस अगर आप इस्तेमाल करें तो वो बेटा वो पार्टिकल को 400 टाइम्स मैग्निफाई कर देगा, उसका पार्टिकल का साइज 400 टाइम्स जो है बेटा वो इंक्रीज हो जाएगा। यहां पर बेटा हमारा ये टॉपिक मुकम्मल होता है। आपके जहन में अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं उसका आंसर करूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।